रूलिंग पार्टी टीआरएस का अरिकता बहुत हो रहा है, लोग टेररिज करके कुछ जगह हमारा सत्तुपल्ली में 17 वार्ड नंबर 17 हमारा कैंडिडेट को ऑलमोस्ट किडनैप जैसा करके लेके गए थे, यूनानिमस का प्रयास कर रहे। हमारा लोग वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता धरना भी किया, अभी इस इश्यू को लेके डीजीपी साहब से भी बात किया, इलेक्शन कमीशन का नोटिस में लगाया हमारा पार्टी की तरफ से, खम्भम पुलिस कमीशन का नॉलेज में भी हमारा लोग लगाया। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम डिमांड कर रहे, अगर सरकार अच्छा काम करे तो पब्लिक का दिल जीतिए। ये बैकग्राउंड पॉलिटिक्स क्या है, सब जो सबको टारगेट देके तो अगर हार गए तो तुमको टारगेट, चीफ मिनिस्टर साहब भी वो तो मीडिया में आया, मंत्रियों को MLA MLC MP सबको जो रूलिंग पार्टी का सबको टारगेट बोले, फिर साइकोलॉजिकली वो लोग कुछ भी करके हाथ पैर मार के ये भी कुछ भी हो जीत होना बोल के ये पूरा हरकता कर रहे हैं, ये पूरा पावर मिस यूज ऑफ पावर हो रहा है। इसके ऊपर डिटेल जांच करते हुए स्पेशल ऑब्जर्वर्स को भेज के फ्री एंड फेयर इलेक्शन भेजना करना है, कराना भी है, और फोर्सेस को भी ज़्यादा लगाना है। जो उसमें जो भी होता है हमारा अकाउंट में सब जीत गया, कांग्रेस कुछ नहीं या बीजेपी नहीं, कांग्रेस को बीजेपी में तो ये सब गलत प्रचार कर रहे। कांग्रेस बीजेपी का क्या है पूरा देश भर सब जानता है, CAA और NPR जैसा एक्ट जो देश का हित में ले, जो कांग्रेस कैसा विश्व प्रचार कर रहे हैं मिसइन्फॉर्मेशन सबको जानता है। KTR साहब बोलता कांग्रेस और बीजेपी का, ऐसा थोड़ी होता है। और TRS भी कांग्रेस और MIM सब ये हो के बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे, ये हो रहा हकीकत में, ऐसा नहीं है। ये सभी जो भी है केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारा तरक्की का विकास का कार्यक्रम हो रहा है टाउन्स में और म्यूनसिपालिटीज़ में। हमारा प्रधानमंत्री का जो भी जो मुद्रा लोन्स हो, वो स्वच्छता प्रोग्राम का भी हो, गैस सिलेंडर्स का सप्लाई हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का और एक अन्य प्रोग्राम, उसमें बहुत सारा पेंशन सी और माइनॉरिटीज़ का हित में जो प्रोग्राम्स कर रहा है, अन्य लोगों के हित में सबके साथ सबका विकास का कार्यक्रम जरूर, ऐसा जनता हमको आशीर्वाद देंगे। हम साइजेबल नंबर्स में जीतने का प्रयास, हम जनता का दिल जीत के हम लोग हासिल करेंगे। मगर ये देख के ये पूरा डरा हुआ है, घबराहट हुआ है सरकार, इसलिए पूरा हरकता कर रहे हैं। जो बोले तो जो पैसे और वहाँ पे मिस यूज ऑफ और फॉल्स केसेस पुलिस को तो थ्रू दबाव डालना वो ठीक नहीं, इसलिए हम अपील कर रहे हैं आपका माध्यम से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। आपको सही माने में सही दिल से, अगर तेलंगाना में बहुत सारा तरक्की हुआ बोल रहे ना, कहाँ है पूरा कोई पालन नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, सब मच्छर घूम रहा है सब जगह, हॉस्पिटल में कैसा है स्थिति पता है, रोड का परिस्थिति पता है, ड्रेनेज पूरा कुप्पा हो गया, और कहीं भी पेंशन भी रुका हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है थोड़ा इधर उधर, और ऐसा प्रॉब्लम रह के और डरा नहीं है, जो झोपड़पट्टियों का ये भी नहीं है, सिर्फ अमीरों का सरकार जो कॉन्ट्रैक्टर का सरकार चल रहा है। इसलिए हमको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत हासिल करेंगे मेजॉरिटी इसमें वो जो भी सीट्स में, और आपसे मैं पुनर अपील करता हूँ इलेक्शन कमीशन पूरा कदम अच्छा उठाइए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। हमारा ये मांग है खम्भम से लेकर सत्तुपल्ली कोतगूडेम इल्लेंदु सब जगह सिटी का रंगारेड्डी और करीमनगर आदिलाबाद निज़ामाबाद सब जगह वो दबाव डाला के कुछ भी हम जीत गया बोल के कुछ भी करो हम जीतना है बोल के वो मूड में करे तो पूरा पालन कर दिया इधर उधर, सिर्फ इलेक्शन को पूरा लगा दिया सब मंत्रियों को, फिर पालन कौन करता है, सिर्फ काली जीत हासिल करना, बाकी डे टू डे FIs भी छोड़ दिया, जनता का तकलीफ भी छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं, मंत्री तो मिलते नहीं, MLA सब इसके ऊपर है, फिर कौन करेगा, इसके लिए तुम लोगों को ये सरकार लाया, जनता को हवा पे छोड़ दिया, पालन हवा पे छोड़ दिया। इसलिए जरूर ये इलेक्शन अच्छा मौका है, मैं अपील करता हूँ सभी म्यूनसिपालिटी वोटर्स को, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करके इस सरकार को वैसी हांग खोलने के लिए और कान सुनने के लिए मौका दीजिए बोल के हमारा